आगे बढ़ते हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की पहल पर कोचिंग संस्थान एलन अब ऐसे बच्चों की मदद करेगा जिन्होंने कोरोना काल में अपने अभिभावकों को खो दिया है। आज ऐसे ही कोचिंग छात्र छात्राओं का एक समूह लोकसभा स्पीकर से भी मिला, जिन्हें न सिर्फ कोचिंग बल्कि स्कूलिंग से लेकर आवास और भोजन व्यवस्था तक कोचिंग सिटी में फ्री उपलब्ध करवाई जा रही है। अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए हौसलों को उड़ान देने का काम कोचिंग सिटी कोटा में हो रहा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की पहल पर फ्री कोचिंग की घोषणा अब साकार हो रही है। मुझे बस इतना ही कहना है कि मेहनत इतनी करनी है कि किस्मत भी बोले कि ये तो तेरी चीज़ ही है, क्योंकि बिना स्ट्रगल या सेक्रीफाइस के कुछ भी चीज़ नहीं मिलती है। इसका बीड़ा उठाया, संकल्प लिया था और आज ये संकल्प उनका पूरा हो रहा है। मैं देख रहा हूँ कि कई बेटियाँ बिहार से है, मध्य प्रदेश से है, राज्यों के कई हिस्सों से है, उन सब बेटियों के सपने पूरे होंगे, वह डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी। फिलहाल कोटा में कोरोना से अभिभावकों को खोने वाले परिवारों के करीब 60 से 70 कोचिंग छात्र मेडिकल और इंजीनियरिंग की फ्री कोचिंग ले रहे हैं। वहीं देश भर के एलन कोचिंग संस्थान के अलग अलग सेंटर्स पर ऐसे कोचिंग विद्यार्थियों की तादाद करीब 150 है। ऐसे छात्रों को न सिर्फ कोचिंग बल्कि आवास और भोजन तक भी फ्री उपलब्ध कराया जा रहा है और मदद की इस मुहिम ने अब इन लाभार्थी कोचिंग छात्र छात्राओं के हौसले को भी चट्टानी मजबूती देने का काम किया है। शिक्षा के क्षेत्र में कोटा का बहुत नाम है, लेकिन इन बच्चों ने जो खोया है उसकी तो पूर्ति कोई कर नहीं सकता है। अब हम इनके साथ थोड़ा सा एक अंश है कि हम इनको उस मुकाम तक पहुँचा दें जहाँ इन्होंने सपने अपने माँ बाप के साथ देखे थे। माँ बाप नहीं रहे, किसी के घर में कमाने वाला नहीं रहा, लेकिन इनको ये फीलिंग नहीं हो रही है कि अच्छे मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर चले जाते हैं तो आगे इनकी पीढ़ी, इनके जो परिवार का संबल बनेंगे। और मैं तो इनसे यही कहता हूँ कि आज आप ये इतनी हिम्मत रख के अपने सपने को पूरा करने आएँ, आपके जीवन में भी आपको कभी ऐसा मौका पड़े तो आप भी किसी न किसी की सहायता करिएगा। होता है ना कि जब भगवान कोई ऐसी चीज़ छीनती है जिसकी हमें कोई आशा नहीं रहती है, तो ऐसी चीज़ दे भी देती है कि जिसकी हमें कोई आशा नहीं रहती है। ऐसे ही हमें ये सपोर्ट करते रहे, इनका प्यार भी साफ बना रहे, तो हम उस मुकाम तक जरूर पहुँचेंगे जो हमारे पिताजी ने और माताजी ने देखा है। पहले तो एलन को थैंक यू कहना चाहूँगी हम सबके लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए, और जिन लोगों ने भी इस कोविड के समय में अपने मॉम डैड को खोया है उन सब के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है अपने ड्रीम्स को साकार करने के लिए। बहरहाल कोरोना के झटके से लड़खड़ाई कोटा की कोचिंग इंडस्ट्री में क्लासरूम कोचिंग महीनों बाद जाकर फिर से शुरू हो पाई है और शुरुआती दिनों में ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की मुहिम में भागीदार बनकर कोटा के कोचिंग संस्थानों ने कोचिंग सिटी की एक उजली तस्वीर देश के सामने पेश की है। आज जब ये कोचिंग छात्र लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलने लोकसभा स्पीकर कैंप कार्यालय पहुंचे तो एक बार फिर से ये ऐलान किया गया है कि कोरोना से अपने अभिभावकों को गंवाने वाले देश के किसी भी हिस्से का कोई भी कोचिंग आशार्थी मेडिकल इंजीनियरिंग की फ्री कोचिंग के लिए लोकसभा स्पीकर कैंप कार्यालय कोटा या कोचिंग संस्थान एलन में संपर्क कर सकता है। भंवर एस चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, कोटा।